चुरा के दिल मेरा। गाइज वेलकम बैक दोस्तों, टिकटॉक पर एक वीडियो काफ़ी तेजी से वायरल चल रहा है दोस्तों, धमाल मचा के रखा हुआ है। शिल्पा शेट्टी और अक्षय कुमार का एक गाना है चुरा के दिल मेरा गुड़िया चली। इसी गाने के बीच दोस्तों एक लड़का घुस गया यहाँ पे और काफ़ी अच्छे से वीडियो एडिट किया गया है। बहुत सारे लोग इस वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं। यहाँ पे तरह तरह के लोग कमेंट्स कर रहे हैं, कोई कह रहा है बॉलीवुड में घुस गए, कोई कह रहा है नाइस एडिटिंग, जबकि आप में से बहुत सारे भाइयों ने इस वीडियो के ट्यूटोरियल की मांग की थी। मैं आपका दोस्त आ गया हूँ इस वीडियो के सबसे आसान ट्यूटोरियल को लेकर। दोस्तों वीडियो की एडिटिंग वाकई बहुत ही डिफरेंट है, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को आप अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से दोस्तों हमें हिम्मत मिलती है, एनर्जी आता है यार नए वीडियोस बनाने के लिए, तो लाइक जरूर कीजिएगा। नए मेहमान हैं चैनल पे, पहली बार आए हैं, आपका स्वागत है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। दोस्तों इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आपको अपना वीडियो ग्रीन स्क्रीन पे कुछ इस तरह का शूट करना पड़ेगा। दोस्तों मैं यहाँ पे पहले ही बता दूँ, मुझे डांस नहीं आता है। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। जी हाँ दोस्तों मुझे डांस नहीं आता है, मैं आपको यहाँ पे एडिटिंग सिखाने वाला हूँ, किस तरह से ये वीडियो बनता है ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। बाकी टैलेंट आपके अंदर खुद होना चाहिए, डांस आपको खुद करना है। तो गाइज इस तरह से यहाँ पे वीडियो आपको तीन स्टेप में शूट करना है। पहले स्टेप में दोस्तों आप कैमरे के सामने आके यहाँ पे कुछ इस तरह से जैसे लड़के ने किया था, इस तरह से दोस्तों यहाँ पे आपको चुरा के दिल मेरा गोरिया चली करके इस तरह से आपको पलट जाना है। दूसरे स्टेप में दोस्तों आपको दूसरा डांस करना है जो कुछ इस तरह का था, और तीसरे स्टेप में दोस्तों आपको तीसरा स्टेप डांस का करना है। इस तरह से वीडियो शूट करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको एक फोटो चाहिए। फोटो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको ये फोटो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों फोटो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्काई दिखाना है। एक फोटो दोस्तों आप खुद खींच सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको शिल्पा शेट्टी की वीडियो चाहिए जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन चाहिए जिसका नाम है काइन मास्टर। तो गाइज सीधा चलते हैं काइन मास्टर में, वीडियो शुरू करते हैं। मास्टर ओपन करने के बाद प्लस आइकन पे क्लिक करके यहाँ से आपको 9 और 16 वाला स्पेक्ट्रम रेशियो सेलेक्ट करना है। दोस्तों यहाँ पे वीडियो की एडिटिंग थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, तो हो सकता है वीडियो की एडिटिंग थोड़ी लंबी हो जाए, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको मीडिया ब्राउजर में जाने के बाद सबसे पहले आपको अपने उस फोटो को सेलेक्ट कर लेना है जो आपने दोस्तों स्काई वाला शूट किया था, या फिर आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड भी कर सकते हैं। गाइज इस फोटो को आपको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्रॉपिंग में जाना है। ऊपर वाले बॉक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो बार टैप करना है स्क्रीन पे, उसके बाद गाइज यहाँ से इसको इक्वल कर देंगे। और दोस्तों अगर आपका फोटो छोटा बड़ा हो रहा है तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे इस तरह से टैप करके आगे पीछे कर सकते हैं। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्काई दिखाना है, उसके बाद यहाँ से दोस्तों ओके कर देंगे। अगेन फोटो को क्लिक करके इस तरह से फोटो को आपको 10 से 15 सेकंड कर देना है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। अब दोस्तों क्या होगा, इससे आपका ये फोटो वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वीडियो बन जाएगा। सबसे पहले आपको इस वीडियो को एक बार सेव कर लेना है, तो सेव करने के लिए यहाँ से आपको शेयर बटन पे क्लिक करना है। 720 और 30 रखने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देंगे। दोस्तों जब तक वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि भाई की वीडियोज आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो हमारा एक्सपोर्ट हो गया है। यहाँ से दो बार बैक करेंगे, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर से काइन मास्टर के नए प्रोजेक्ट को ओपन करके प्लस आइकन पे क्लिक करके 9 और 16 का स्पेक्ट्रम रेशियो सेलेक्ट करेंगे। मीडियम जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको शिल्पा शेट्टी के उस वीडियो को सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। वीडियो को स्टार्टिंग पोजिशन पर रख के आपको लेयर में जाना है। मीडियम में जाने के बाद दोस्तों जिस फोटो को आपने भी वीडियो बनाया था उसी वीडियो को यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों इस तरह से इसको जूम कर देंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे गाइज अगेन इसी वीडियो को सेलेक्ट करके जाएंगे यहाँ पे क्रोमा की में, यहाँ से इसको इनेबल कर देंगे, इसको अच्छे से मैच करेंगे ताकि इसका स्काई दोस्तों जो यह आसमान है ये हाइड हो जाए, यहाँ से गायब हो जाए। तो गाइज यहाँ से आप आगे पीछे करके यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर आप डिटेल कर्व में जाके दोस्तों यहाँ से भी आप इस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसके बैकग्राउंड को यहाँ से हाइड कर दिया। गाइज इस तरह से यहाँ पे आप इसके हाइड करके उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको लेयर में जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपको अपने उस वीडियो को सेलेक्ट करना है जो वीडियो आपने ग्रीन स्क्रीन पे शूट की थी। वीडियो को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अगर आपके ग्रीन स्क्रीन में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है, जैसे कि अगर आपका भी ग्रीन स्क्रीन छोटा है, कपड़ा छोटा है,
तो यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले अपने वीडियो को क्रॉप में जाके कटिंग कर लेना, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से आपको क्रॉप कर लेना। उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले वीडियो को सिलेक्ट करके क्रोमा की में जाना, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको इनेबल करेंगे। और थोड़ा सा दोस्तों आपको अपने हिसाब से आगे पीछे करके इसके बैकग्राउंड को काट लेना है, ताकि हरा कलर का यहाँ पे बैकग्राउंड आपका नजर ना आए। उसके बाद दोस्तों यहाँ से की कलर में जाके जिस कलर का आपके कपड़ा यूज किया था, आपने कपड़ा यहाँ पे लगाया था उसी कलर को दोस्तों यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे हरा कलर यूज किया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा हरा कलर ऑटोमेटिक आ गया। उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। अब दोस्तों आपको अपने वीडियो को अलग अलग पार्ट में कटिंग कर लेना है, अगर आपके वीडियो के बीच में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा पहला पार्ट यहाँ से कंप्लीट हो गया था, जहाँ पे मैं घूमता हूँ। गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी पोजीशन पे मैं घूमा था। तो यहीं से दोस्तों आपको वीडियो को सेलेक्ट करना है, इस तरह से कैंची पर जाएंगे, स्प्लिट एट प्लेहेड करके काट देंगे। उसके बाद दोस्तों दूसरा पार्ट हमारा वहाँ पे आता है, जब आपसे यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ से मैं ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्लेहेड करके काट दूंगा। उसके बाद दोस्तों जहाँ तक मेरा दूसरा पार्ट रहता है, गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना ही मेरा दूसरा पार्ट था, तो यहीं से स्प्लिट एट प्लेहेड करके काट देंगे। अब गाइज आपको सारे वीडियो को यहाँ पे अच्छे से मैनेज कर लेना है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस वीडियो को सिलेक्ट करेंगे, आपको इस वीडियो को थोड़ा सा इस तरह से पहले बड़ा कर देना है, ताकि आप फ्रेम के अंदर इस तरह से आ सके, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब गाइज जहाँ पे आप घूमते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे मैंने घूमा था, इसी पोजीशन पर दोस्तों आपको डिलीट के ऊपर चाबी पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस पे डॉट देंगे, फिर से दोस्तों स्लाइड करेंगे, यहाँ पे आधा सेकंड से भी कम का टाइम हम लगाएंगे, फिर से प्लस पे एक डॉट देंगे। और गाइज इस वीडियो को आपको इस तरह से यहाँ पे तीर पकड़ के इसको छोटा कर देना है, से इसको ले जाके शिल्पा शेट्टी के बगल में यहाँ पे ले जाके आपको इसको एकदम छोटा कर देना है। गाइज जहाँ पे इसको आप छोटा करेंगे उसी पोजीशन पर दोस्तों आपको पहले ओके कर देना है। दूसरे वीडियो को गाइज यहाँ पे आपको उसी पोजीशन पर लेके आ जाना है, दूसरे रोल की दोस्तों आपकी एंट्री इसी जगह पे होनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज यहीं पे शिल्पा शेट्टी जी घूमती हैं, तो इसी पोजीशन पर दोस्तों आपके दूसरे रोल की एंट्री होनी चाहिए। दूसरे रोल को दोस्तों आपको इस तरह से थोड़ा बड़ा कर देना है शिल्पा शेट्टी के बराबर यहाँ पे, और यहाँ से दोस्तों थ्री डॉट पे जाके इसको सेंड टू बैक कर देंगे। तो गाइज आप भी शिल्पा शेट्टी के साथ में पहुँच जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो के इन एनिमेशन में जाएंगे, यहाँ से फेड रख देंगे, टाइमिंग के 0.5 सेकंड रख देंगे, उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। आते हैं तीसरे पॉइंट पे, तीसरे वीडियो पे। इस वीडियो को दोस्तों स्लाइड करके लेके इस पोजीशन पे लेके आएंगे, जहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों जहाँ पे अक्षय कुमार सर शिल्पा शेट्टी के सर में कुछ यहाँ पे दोस्तों डांस के टाइम कुछ करते हैं। तो गाइज यहाँ पे वीडियो को आपको सेलेक्ट करना है, वीडियो को थोड़ा सा इस तरह से बड़ा करके यहाँ पे आपको दोस्तों वीडियो को इस साइड में छुपा देना है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। डिलीट के ऊपर चाबी पे क्लिक करेंगे, और गाइज यहीं पे आपको जहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों जहाँ पे शिल्पा शेट्टी का डांस चालू होता है, यहीं पे आपको प्लस पे डॉट देना है। और गाइज जब शिल्पा शेट्टी आगे जाती है, इसी पोजीशन पे आपको फिर से प्लस पे डॉट देना है, और अपने वीडियो को दोस्तों इस तरह से निकाल के ले जाके शिल्पा शेट्टी के आगे रख देना है। और दोस्तों यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद सेंड टू बैक कर देंगे, उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। तो गाइज यहाँ पे आपका वीडियो कुछ इस तरह का बन जाएगा। मैं आपको पहले ही वीडियो प्ले करके यहाँ पे दोस्तों दिखा देता हूँ। आप इसे बहुत सारे भाई कहते हैं कि यहाँ पे इनका वीडियो बना नहीं, इसलिए इन्होंने प्ले नहीं किया था। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा दो रोल कंप्लीट हो गया है। गाइज यहाँ से हमारा ये तीसरा रोल चालू हो गया। दोस्तों अगर आप यहाँ पे डांस करेंगे तो आपका वीडियो बहुत ही परफेक्ट बनने वाला है। दोस्तों यहाँ पे साउंड का लिंक आपको वीडियो में मिल ही जाएगा, यहाँ से आपको सिर्फ सेटिंग में जाना है, ऑडियो फेड आउट को बंद करना है, यहाँ से ओके करना है। वीडियो को सेव और शेयर करने के लिए शेयर बटन पर क्लिक करेंगे, 720 और 30 रखने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देंगे।